नमस्कार दोस्तों, आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक सब्जी के बारे में जानते हैं जिसका नाम है करेला। करेले से होता है इन बीमारियों का इलाज। जो लोग करेले की सब्जी को शौक से नहीं खाते हैं वह भी इसके अचूक गुणों के कारण मुरीद हो जाते हैं। प्रति 100 ग्राम करेले में लगभग 92 ग्राम नमी होती है। साथ ही इसमें लगभग 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 15 ग्राम प्रोटीन, 20 मिलीग्राम कैल्शियम, 70 मिलीग्राम फास्फोरस, 18 मिलीग्राम आयरन तथा बहुत थोड़ी मात्रा में वसा भी होती है। इसमें विटामिन ए तथा सी भी होती है, जिनकी मात्रा प्रति 100 ग्राम में क्रमशः 126 मिलीग्राम तथा 88 मिलीग्राम होती है। तो दोस्तों, करेले के कड़वेपन पर न जाइए, अगर बीमारियां हैं तो ज़रूर खाइए। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि करेला क्या फायदा करता है और कितना उपयोगी है। पहला, करेला मधुमेह में रामबाण औषधि का कार्य करता है। छाया में सुखाए हुए करेला 1 चम्मच पाउडर प्रतिदिन सेवन करने से डायबिटीज में चमत्कारी लाभ मिलता है, क्योंकि करेला पैंक्रियाज को उत्तेजित कर इंसुलिन के स्त्राव को बढ़ाता है। दूसरा, विटामिन ए की उपस्थिति के कारण इसकी सब्जी खाने से रतौंधी रोग नहीं होता है। जोड़ों के दर्द में करेले की सब्जी का सेवन व जोड़ों पर करेले के पत्तों का रस लगाने से आराम मिलता है। तीसरा, करेले के 3 बीज और 3 काली मिर्च को पत्थर पर पानी के साथ घिसकर बच्चों को पिलाने से उल्टी दस्त बंद हो जाते हैं। करेले के पत्तों को सेक कर सेंधा नमक मिलाकर खाने से अम्ल पित्त के रोगियों को भोजन से पहले होने वाली उल्टी बंद हो जाती है। चौथा उपयोग, करेला खाने वाले को कफ की शिकायत नहीं होती है। इसमें प्रोटीन तो भरपूर पाया जाता है, इसके अलावा करेले में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भी पाए जाते हैं। करेले की छोटी और बड़ी 2 प्रकार की प्रजाति होती है, जिससे इनके कसेलेपन में अंतर आता है। पांचवा, करेले का रस और 1 नींबू का रस मिलाकर सवेरे सेवन करने से शरीर की चर्बी कम होती है और मोटापा कम होता है। पथरी रोगी को 2 करेले का रस प्रतिदिन पीना चाहिए और इसकी सब्जी खानी चाहिए, इससे पथरी गलकर पेशाब के साथ बाहर निकल जाती है। छठा, लकवे के रोगियों को करेला जबरदस्त फायदा पहुंचाता है। दस्त और उल्टी की शिकायत पर करेले का रस निकालकर उसमें काला नमक और थोड़ा पानी मिलाकर पीने से फायदा होता है। तो दोस्तों, ये कुछ 6 उपयोग थे जो कि करेले के आप विभिन्न बीमारियों में इस्तेमाल करके फायदा ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रतिदिन 2 से 3 वीडियोस को अपलोड करते हैं जिसमें काफ़ी सारी आयुर्वेदिक बीमारियों की जानकारियाँ होती है। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।